हेलो एंड वेलकम फ्रेंड, हेल्पफुल लासा चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, कनेक्टिंग जर्नी वाला ऑप्शन IRCTC की वेबसाइट के ऊपर भी आ चुका है। मैंने कल एक वीडियो बनाया था कि IRCTC की ऐप के ऊपर ये ऑप्शन अभी चालू हो चुका है, अभी स्टार्ट हो चुका है। लेकिन लेटेस्ट न्यूज़ जो निकल कर आ रही है वो ये है कि IRCTC की वेबसाइट के ऊपर भी ये ऑप्शन चालू हो चुका है। दोस्तों, इससे क्या फ़ायदा होगा? इससे दो PNR को आप आपस में कनेक्ट कर सकते हैं, अपने दो ट्रेन के टिकट को आप आपस में कनेक्ट कर सकते हैं। उससे फ़ायदा ये होगा, अगर पहली ट्रेन लेट होने की वजह से आपकी दूसरी ट्रेन छूट जाती है तो आपका पूरा पैसा वापस कर दिया जाएगा। दोस्तों, जल्दी से चलते हैं IRCTC की वेबसाइट पर और आपको बताते हैं कि इसको कैसे बुक करना है, इसको कैसे यूज करना है। दोस्तों, हम लोग आ चुके हैं अपनी IRCTC की वेबसाइट पर। आपको यहाँ पर ट्रेन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है तो यहाँ पर एक ऑप्शन दिख जाएगा, कनेक्टिंग जर्नी बुकिंग वाला ऑप्शन, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। अब आपको इसको यूज़ कैसे करना है, जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ, यहाँ पर जो नोटिफिकेशन निकल कर आ रहा है वो ऐप की तरह सेम है कि अगर आपका कोई पहला टिकट काउंटर का या पहला टिकट IRCTC से बुक है तो आप अपना जो दूसरा टिकट बुक करेंगे, जो दूसरा PNR बुक करेंगे, उसको आप लिंक कर सकते हैं पहले वाले PNR के साथ। अगर वो काउंटर टिकट है तो भी आप दूसरी बुकिंग में आप अपना PNR लिंक कर सकते हैं। अब यहाँ पर इस ऑप्शन के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे उसके बाद आपको दूसरे PNR के लिए ट्रेन सर्च करनी है। जैसे कि आप न्यू दिल्ली से आप मुंबई जा रहे हैं, अब जो दूसरा टिकट आप बुक कर रहे हैं तो यहाँ पर जैसे ही आप ट्रेन सर्च करेंगे और आपके हिसाब से सीट अवेलेबल मिल जाती है अगर तो यहाँ पर बुक करेंगे तो यहाँ पर आपसे सबसे पहले मांगेगा एक PNR नंबर। वो PNR कौन सा मांगेगा? आपकी पहली जर्नी वाला PNR नंबर यहाँ पर मांगेगा। अगर आपकी पहली जर्नी है PNR नंबर है तो यहाँ पर आपको एंटर करना है, सबमिट कर देना है, उसके बाद आपको दूसरी बुकिंग बना लेनी है। अब इससे क्या होगा, आपका पहला PNR और दूसरा PNR आपस में लिंक हो जाएगा। इससे फ़ायदा ये होगा, अगर पहली ट्रेन आपकी किसी वजह से लेट हो जाती है जिसकी वजह से आपकी दूसरी ट्रेन छूट जाती है तो आपका पूरा पैसा वापस कर दिया जाएगा। इसके अंदर शर्त इतनी है कि आपको आपका नाम जो होना चाहिए, एज होनी चाहिए, सेम टू सेम वही होनी चाहिए जो आपके पहले PNR के ऊपर है। दोस्तों आई थिंक ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा ये नहीं जानकारी आपको कैसी लगी। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।